जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। जो लोग शिव पुराण सुनते हैं उनके लिए वर्णित किया गया है कि संपूर्ण देवता की पूजा करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है, और साथ बताया गया है कि बेलपत्र और वटवृक्ष यानी बरगद की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप समाप्त हो जाते हैं। बरगद के पेड़ की परिक्रमा यानी कि फेरी लगाने से पति की उम्र लंबी होती है, वहीं पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से घोर गरीबी समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ये शास्त्र कहता है कि बेलपत्र पेड़ के नीचे और बरगद पेड़ के नीचे बैठकर शिव चालीसा अगर एक बार भी पढ़ दी जाए तो यदि किसी व्यक्ति के पुरखी के ऊपर भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप लगाया गया है या लगा है तो बट और बेलपत्र में से किसी एक पेड़ के नीचे शिव चालीसा का पाठ करने से इतना बड़ा पाप भी तत्काल समाप्त हो जाता है। यदि आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ है या फिर आप मंदिर जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों पेड़ में से कोई एक पेड़ है तो उसके नीचे बैठ करके शिव चालीसा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो व्यक्ति बरगद या बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठकर शिव चालीसा का पाठ करता है वो अपने जीवन में थोड़ी ही दिन में बदलाव देखेगा। वो देखेगा कि उसके घर की बीमारियां कहाँ चली गई उसे पता भी नहीं चलेगा, उसके घर की गरीबी कहाँ चली गई उसे पता ही नहीं चलेगा, पैसे आने के नए नए मार्ग खुलते चले जाएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, सही समय पर बच्चे की नौकरी लग जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है शिव चालीसा का पाठ बेलपत्र या बरगद पेड़ के नीचे करने से। वही बताया गया है कि व्यक्ति को ज्यादा नहीं तो एक परिक्रमा यानी कि फेरी बरगद वृक्ष की जरूर लगानी चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए और बेलपत्र पेड़ की विषम संख्या में यानी 3, 7, 11, 21, 108 परिक्रमा यानी फेरी करनी चाहिए। शिवपुराण की कथा सुनने की इतनी बड़ी महिमा है कि व्यास जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति शिवपुराण की कथा सुनकर जाए, यदि उसकी चरण रज उठाकर भी यदि अपने मस्तक पर लगा लिया जाए तो उस व्यक्ति को तत्काल काशी की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि व्यास जी कहते हैं कि जब कोई श्रोता शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने घर पहुंचते हैं, घर में चरण रखते ही उनका वैभव बढ़ता चला जाता है, उनका घर काशी बन जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं जो व्यक्ति यजमान बनकर कथा सुनते हैं उन्हें 1000 बेटियों की कन्यादान का फल प्राप्त होता है, और जो साधारण श्रोता बनकर कथा सुनते हैं उन्हें 100 बेटियों की विवाह करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि एक साधारण श्रोता को 100 ही बेटियों की विवाह का फल क्यों प्राप्त होता है? तो व्यास जी कहते हैं जो श्रोता को कथा सुनते सुनते बीच में उबासी यानी जमुई आ जाए, बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़े या जल ग्रहण करने के लिए जाना पड़े या भोजन करने के लिए, इसी कारण की वजह से उनके फल में कटौती आ जाती है। वहीं वेद व्यास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कथा को सुनता है उसे तो उसका फल मिलता ही है, पर जो कथा सुनने के लिए स्वयं जाए और अपने साथ साथ कई लोगों को कथा सुनाने के लिए व्यक्तियों को लेकर साथ जाए तो उसे हजारों तीर्थों के जाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि व्यक्ति से जितना बन सके उतना कथा को उसे सुनना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप 5 घंटा 7 घंटा ही सुने, आप जितनी देर बन सके उतनी देर ही कथा सुने, चाहे आप कुछ ही देर बैठकर सुने या खड़े होकर सुने, चाहे कुर्सी पर बैठकर सुने, जहां जैसे आप जितनी आरामदायक में कथा सुन सके जैसे सुन सके वैसे ही आप कथा को जरूर सुनिए। यदि आप धरती पर बैठकर कथा सुनने में असमर्थ है तो आप कुर्सी पर बैठिए, सोफे पर बैठिए, किसी न किसी तरीके से लुढ़क कर सुनिए, पर हर प्रकार से सुनिए। पर कुछ लोगों को कहना है कि जो कुर्सी आदि पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें कुछ फल प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप आग के ऊपर जानबूझकर पांव रखेंगे तब भी आग जलाएगी, और अगर बिना जाने भी आग के ऊपर पांव रखेंगे तो भी जलाएगी। ऐसी ही हमारे भगवान की कथा है, अगर आप जानबूझकर सुनेंगे तब भी फलदायी होगी, और अगर बिना जाने कथा में पहुंच गए फिर भी आपको फलदायी ही होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो धरती पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं उनको कथा का 100% फल प्राप्त होता है, लेकिन जो कुर्सी इत्यादि का सहारा लेकर कथा सुनते हैं उनके फलों में कटौती आ जाती है, उन्हें आधा ही फल प्राप्त होता है। पर हम तो कहेंगे हम फल की चाहत क्यों रखते हैं? यदि हमारे कुछ माताएं बहने भाई दादाजी पृथ्वी पर नहीं बैठ पाते तो कुर्सी आदि का सहारा लेकर ही कथा को सुने, क्योंकि हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमें तो महादेव की कृपा चाहिए, और शिव की कृपा के लिए आप जैसे कथा को सुन सकते हैं वैसी ही कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो रोजाना शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उनके पुण्य कितने बढ़ेंगे उन पुण्यों को तराजू से नहीं तोला जा सकता। व्यास जी कहते हैं कि जितनी देर में हमारी आंख की एक पलक झपकती है यदि उतनी ही देर के लिए कोई शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है तो वो कथा जीव का कल्याण कर देती है। हर हर महादेव।